प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। मध्य प्रदेश की मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। दोपहर 1 बजे आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3 बजे बरेली में चुनावी रैली करेंगे। शाम 4:30 बजे शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ओडिशा और तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के बोलांगीर के सोनपुर में शाह एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे, तो वहीं तेलंगाना में भी गृह मंत्री का चुनावी दौरा होगा। दोपहर 12:30 बजे मेडक लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे, जिसमें बोलांगीर में एक सार्वजनिक बैठक के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के कानपुर देहात और लखीमपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:45 पर लखीमपुर खीरी के बिलावी मेमोरियल ग्राउंड हॉल पहुंचेंगे, जहां वो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा टेनी के नामांकन में शामिल होंगे, जहां टेनी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर 1 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर देहात पहुंचेंगे। राजपुर सिकंदरा में स्थित विद्यापीठ कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के तहत ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज सीएम योगी के आगरा और इटावा के दौरे पर रहेंगे, जहां सबसे पहले वो आगरा जाएंगे। दोपहर 12:45 पर वो कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में शामिल होंगे, तो वहीं दोपहर 2:15 पर इटावा जाएंगे, जहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और कहा है कि यदि उनका टिकट नामांकन बंद होने के बाद 1 घंटा पहले भी घोषित हुआ तो वो चुनाव जीत लेंगे। ब्रिजभूषण के मुताबिक बीजेपी हाईकमान 1 घंटा पहले भी उनका नाम घोषित कर देगी तो बड़ी जीत के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट कैसरगंज में 5वें चरण में वोटिंग होनी है। यहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। 27 से 29 अप्रैल के बीच बीजेपी हाईकमान से टिकट फाइनल होगा। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कहा है हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत देने से इनकार के बाद गिरफ्तारी हुई है। 9 बार केजरीवाल को टाला। घोटाले की अवधि के दौरान 36 लोगों ने करीब 170 मोबाइल फोन बदले और नष्ट किए। ईडी के आरोप पर आपका पलटवार। प्रवर्तन निदेशालय को बताया झूठ बोलने वाली मशीन। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ईडी कोई जांच एजेंसी नहीं, ये बीजेपी की जांच है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बदल दिया है। कन्नौज सीट से संशय खत्म हो गया और लालू के दामाद तेज प्रताप की जगह अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश करीब 12 बजे अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसकी जानकारी पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज क्रांति होकर रहेगी, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हरियाणा के रोहतास जिले में अभिनेता के खिलाफ 5 अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। पवन सिंह पर रोहतास में रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है। 23 अप्रैल को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रोड शो किया था, जिसमें परमिशन से अधिक वाहन इस्तेमाल किए गए थे। वारिस पंजाब डे का प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। खबर है कि पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। इस वक्त खालिस्तानी समर्थक एनएएस के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और जहां उसके वकील ने राजदेव सिंह ने उसके मुलाकात की है और कहा है कि उसे जेल में चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई है, तो वहीं अमृतपाल के परिजनों ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। पिता और चाचा ने अमृतपाल के मुलाकात के बाद इस खबर की पुष्टि करेंगे। यूपी के कानपुर में एक एम्बुलेंस में मरीज की जगह चुनावी पोस्टर बैनर भरा मिला है। पुलिस के मुताबिक सर्वोदय नगर से आजाद नगर की ओर कई दिनों से एक एम्बुलेंस वैन आवाजाही कर रही थी। एक दिन में कई चक्कर लगने पर शक हुआ तो एम्बुलेंस रोक कर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा की चुनावी सामग्री मिली। पुलिस ने एम्बुलेंस को सीज कर दिया और आलोक मिश्रा पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की बात कही गई है।
यूपी के भराइच में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में पलट गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार बारात से वापस लौट रहे थे, तभी गाड़ी की स्पीड बढ़ी और वो बाइक सवार को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वही कार सवार बाल बाल बच गया। दिल्ली के जाफरपुर कला थाना इलाके में सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक डीटीसी बस और दूसरी तरफ से आ रही बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। 19 सेकंड के वीडियो में बस और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। भिड़ंत तो इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। यह हादसा 22 अप्रैल का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों बाइक सवार की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉली में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा तिलहर में कपसेड़ा मेले से लौटते वक्त हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, जिसके चलते वो आपस में टकरा गए और हर तरफ कोहराम मच गया। यूपी के महोबा में सड़क हादसा हुआ, जहां एक वैन और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बेटी का तिलक लेकर जाते हुए यह दुर्घटना हो गई है, जहां वैन में रिश्तेदार के साथ पिता सवार थे, तभी सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में वैन अनियंत्रित हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, तो वही वैन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां मंदिर जाते वक्त एक महिला की गली से बदमाश चेन लेकर फरार हो गए। ये वारदात महमूदाबाद थाना इलाके की है और घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बदमाश चेन खींचते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिशु अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। मरीज के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई, देखते देखते पूरा अस्पताल अखाड़े में तब्दील हो गया। हंगामा बढ़ता देख कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कई अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया, जहां नाराज कर्मियों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में ओपीडी बंद कर दिया है, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बारात लेकर निकले दूल्हे पर उस गर्लफ्रेंड ने तेजाब फेंक दिया। घटना में दूल्हे का हाथ झुलस गया, तो वही 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। तेजाब फेंक कर भाग रही गर्लफ्रेंड को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी गई है। युवती प्रेमी की शादी से नाराज थी, किसी को शक न हो इसलिए सज धज कर बारात में पहुंच दी। यूपी के बहराइच में समूह लोन की किश्त वसूलने गई टीम पर हुआ जानलेवा हमला। टीम की महिला सदस्य को गांव के बकायेदारों ने पकड़ा और फिर गिराकर पूरी तरह से पीटा, तो वही टीम के बाकी कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। निजी कंपनी की महिला कर्मचारी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पूरा मामला रानीपुर थाना के नोवनपुरवा गांव का है। मामला सामने आने पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। बिहार के सीतामढ़ी में रोटी के लिए पैसा मांगना पड़ा भारी। मानसिक तौर पर विकलांग युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, हाथ पैर बांध कर जमकर उसको पीटा। बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना जिले के बेला थाना क्षेत्र के चांदी राजवाड़ा गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां रेड़ा लाल गांव की घटना है। यहां गलती से किराना कारोबारी युवक का गांव के ही एक शख्स के पास कॉल आई, जिसके बाद नाराज युवक ने मौके पर पहुंचकर किराना कारोबारी पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसे गंभीर रूप से चोट आई और अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बहराइच में छेड़खानी से परेशान महिला न्याय के लिए भटक रही है। मामला कैसरगंज के करवाई थाना बताया जा रहा है। महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि पुराने मामले में सुलह का दबाव बनाने के लिए दबंग रोज धमकी दे रहे हैं। वहीं पर थाने में कोई कार्रवाई ना होने पर पीड़ित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। जिले के साउथ वेस्ट जिले के वसंत कुंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अफ्रीका के कैमरून के 2 विदेशी नागरिकों को नकली भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 24,40,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई है। जालसाजों के पास से मशीन भी बरामद हो गई है। दरअसल साउथ वेस्ट जिले के वसंत कुंज साउथ पुलिस को 19 अप्रैल 2024 को धोखाधड़ी की एक शिकायत मिली। आरोपियों ने खुद ही नकली नोट छापे थे। घटना की जानकारी आईबी और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझा की गई है।